हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंजर गेम्स। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई एक नई मोबा गेम है जो लॉन्च होने वाली है, और वो भी पोकेमोन कंपनी रिलीज़ कर रही है। आज तक हमने बहुत सारी मोबा गेम्स खेली, लेकिन जब पोकेमोन रिलीज़ हो रही है तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि हमने पोकेमोन गो और वो सारी गेम तो खेली है, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आई एम श्योर इसमें भी मज़ा आएगा ही आएगा, लेकिन मज़ा क्यों आएगा और ये गेम इतनी पॉपुलर क्यों होने वाली है? पहली बात तो ये है कि ये एक पोकेमोन कंपनी रिलीज़ कर रही है जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा ये कि मैं अगर कहूँ कि ये गेम जो है वो टेंसेंट वाले पब्लिश कर रहे हैं, तो भाई एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि AOV है, PUBG है, COD है, जो भी बड़ी बड़ी गेम है उस सभी में टेंसेंट का हाथ होता ही होता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि टेंसेंट जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब वो कोई ऐसी वैसी गेमें तो पब्लिश करेगी नहीं। और साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि भाई टीमी वाले इसको डेवलपमेंट किया है, तो भाई यार क्या बात को, मतलब टीमी भी हम सब जानते हैं कि भाई बड़ी बड़ी गेमें बनाई है उसने, तो ये दो अगर साथ में हैं तो इस गेम में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ कि ऐसी इतनी बड़ी कंपनी है ऐसी कोई गेम रिलीज़ करने वाली है, तो मैं सीधा चला गया विकीपीडिया की, और वहाँ मुझे ये मिला। आप चाहे तो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ऊपर से बता दूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई पोकेमोन यूनाइटेड इज अपकमिंग गेम है, जो एक मोबा गेम है और टीमी स्टूडियो ने डेवलप किया है, टीसन ने इसे पब्लिश किया है, और ये बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है। और ये पोस्ट जो है उन्होंने June 24, 2020 को डाली थी, और नीचे सब लिखा हुआ है भाई किसने पब्लिश किया, किसने डेवलप किया, और ये सब है। मतलब ये गेम रिलीज़ होने वाली है, ये बात तो 100% सच है, और इसका एक गेम प्ले का वीडियो भी आया है जो मैं आपको दिखाता देता हूँ। तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि मोबा गेम में होता है कि 5 vs 5, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है गेम के बारे में कि भाई दो साइड है, एक जो है एली साइड है और एक ओपोनेंट साइड है, जैसे कि हर मोबा गेम में होता है। लेकिन डिफरेंट क्या है, तो इसमें डिफरेंट जो है वो है टावर, क्योंकि मोबा गेम में जो है वो 10 टावर होते हैं, मतलब मेन कोर के साथ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ही टावर होगी और मेन कोर का कोई टावर दिखाई नहीं दे रहा है। अब सिंपली इसमें करना क्या है कि भाई जंगल में जाना है, पोकेमोन कैच करने हैं, और ओपोनेंट के टावर में जाकर स्कोर करना है। जी हाँ, ओपोनेंट के टावर में जाकर स्कोर करना है, और जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो टीम जीत जाएगी। तो एक बेसिक जो है वो गेम का है, और इसमें आप खेलना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप Level 1 से शुरू करेंगे जैसे सब मोबा गेम में करते हैं, लेकिन आपको फिर जंगल में जाना है, मॉन्स्टर को मारना है और उनको कैच करना है, और धीरे धीरे आपका लेवल अप होगा तो आपका जो पोकेमोन है वो इवॉल्व हो जाएगा और उसकी दूसरी सारी एबिलिटी खुलने लगेगी। जैसे ही आपका पोकेमोन फुल इवॉल्व हो जाएगा, आपकी एबिलिटी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, मतलब आपको कौन सी एबिलिटी चूज़ करनी है, नज़दीक की रेंज वाली चूज़ करनी है या फिर एकदम दूर की रेंज वाली पावर चूज़ करनी है, और आपके की आगे की जो गेम प्ले होगी वो उसी चूज़ की हुई एबिलिटी से खेलनी पड़ेगी, तो ध्यान से चूज़ करना। और जैसे ही आपका पोकेमोन फुल इवॉल्व हो जाएगा, उसका अल्टीमेट मूव तभी खुलेगा, और वो अल्टीमेट मूव इतना खतरनाक होने वाला है कि भाई वो एक ही बार में किसी की भी बैंड बजा सकता है। तो ये था बहुत ही मतलब डिफरेंट है भाई, हमने बहुत सारी मोबाइल गेम्स खेली है, लेकिन ये लेवल अपग्रेड करने वाला, कैच करने वाला और अल्टीमेट वाला ये जो मतलब है वो सब कुछ नया है इसमें, मतलब बाकी मोबाइल गेम्स से थोड़ी अलग होने वाली है, नॉर्मल मोबाइल गेम नहीं होने वाली है। और ये जो स्कोर है वो आपको अपोनेंट की टीम में जाके करना है, मतलब अपोनेंट के टावर्स में जाके करना है, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, और उनके टावर को वही डैमेज करेगा, जितने अपने पोकेमोन ज़्यादा कैच करेंगे वो उनके टावर को डैमेज करता जाएगा। तो अब ये उसकी गेम प्ले जो उन लोगों ने रखी थी, तो गेम प्ले में ये लोग क्या दिखाते हैं, जैसे कि हम सभी मोबा गेम में करते हैं कि भाई हीरो चूज़ करना है, आपको जो पसंद है, जो खेलना आता है वो हीरो चूज़ करो, कुछ टैंकी होंगे, कुछ मेज होंगे, कुछ वॉरियर टाइप होंगे, मतलब जैसे हम हर नॉर्मल मोबा गेम में खेलते हैं उसी तरीके से शायद इसमें सारे होंगे हीरो। फिर ये गेम जैसे शुरू होती है तो हम वैसे ही शुरू होती है जैसे मोबा में शुरू होती है, सभी लोग मेन कोर से निकलेंगे जैसे मोबा में निकलते हैं, फिर फार्म करने जाएगा, लेकिन इसमें फार्म सबको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सबको पोकेमोन पकड़ने हैं तो सबको जंगल में जाके फार्म तो करना ही पड़ेगा, मतलब कोई फार्मर है ऐसा कुछ चूज़ नहीं करना होगा, सबको हेल्प करनी पड़ेगी एक दूसरे की। तो ये जैसे गेम शुरू हो चुकी है, ये लोग पोकेमोन पकड़ने निकल चुके हैं, और ये ओपोनेंट का मेन टावर में देखो जाके स्कोर कर रहे हैं कि भाई वो जैसे ही मतलब फुल हो जाएगा ये सर्कल तो उनका वो टावर टूट जाएगा। तो इन लोगों ने 14 का स्कोर कर दिया और अंदर जाके मतलब ये जैसे पोकेमोन कैच करते हैं और फिर टावर में जाके रख देते हैं ताकि वो उन लोगों की टावर को डैमेज कर सके। और इसमें एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर मोबा गेम में आपको पता ही है कि भाई हेल्प के बिना कुछ नहीं होता, सबकी मदद करो तो ही आगे बढ़ पाओगे, अकेले जाओगे तो मार ही खाओगे। देखो ये पिकाचू अकेले निकल पड़ा तो उसकी बैंड बच गई, तो भाई हमें भी पता है, हम भी मोबा गेम खेलते हैं कि भाई अकेले निकलना कितना खतरनाक हो सकता है।
तो यहाँ पे देखते हैं कौन क्या गलती करता है और कौन कैसे खेलता है। ये कूल डाउन टाइम आया है, जैसे हम मोबा गेम में मरने के बाद आता है उसी तरह। तो आप मर जाएंगे तो वैसे ही आपको मतलब रिसेपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखो एक और गया इन लोगों का। मतलब ये गेम प्ले आप देख सकते हैं भाई, कैसे ये लोग ग्रुप में आ रहे, वो आ रहे मदद करने आ गया। चलो ये कुछ हेल्पर है यहाँ पे भी, इन दोनों ने मिलकर उन लोगों की बजा दी है अभी। और अब ये तीन मिलकर इसके ओपोनेंट की बजा रहे हैं। तो गाइज ये थोड़ा गेम प्ले मतलब अजीब है, इस तरह की मोबा गेम हमने कभी खेली नहीं है और ये थोड़ा अलग लग रहा है। मुझे भी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना पड़ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं और कैसे जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो ये देखिए ये इवोल्व हो चुका है, 40,000 बन चुका है। और ये हमारे एक इसने अल्टीमेट मूव यूज़ किया, आपने देखा एक ही बार में एक को तो मतलब साफ कर ही दिया। ये 40,000 मदद के लिए आ गया, हेल्प कर रहा है एक दूसरे की, एक दूसरे के पॉकीमोन के स्कोर कर रहे हैं, एक दूसरे के पॉकीमोन बचा रहे हैं, तभी तो मतलब स्कोर होगा तो जीतेंगे। तो अब देखते आगे क्या होता है। आगे इन लोगों का स्कोर इक्वल जैसा होने लगा, मतलब ओपोनेंट ने भी बैंड बजाने शुरू कर दिया इन लोगों का। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये अब आगे का टावर तोड़ेंगे। ये देखिए ओपोनेंट का रेड डॉट है, वहाँ पे जाके डालना है। और नीचे देखो ये ब्लू लाइन हुई, देखिए वो ब्लू लाइन जैसे फुल हो जाएगी ना, इन लोगों का टावर टूट गया। देखो ये टावर तोड़ दिया इन लोगों ने। तो आपको ऐसे टावर तोड़ने हैं, हमारी नॉर्मल मोबाइल गेम की तरह टावर नहीं तोड़ना है कि टावर के अंदर घुस के तोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि इसमें जो है एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। ये देखो तीन लोग मतलब सामने वाले की टैंकी बजा रहे हैं एकदम, इन लोगों ने तो बजा के रख दी है। और ये आखिरी टावर है इन लोगों का, आखिरी टावर है। ये पॉकीमोन डाल रहे हैं आखिरी टावर पे, जो मेन कोर्ट के पास वाला टावर है उसी में, लेकिन सामने वाले सारे डेड हो चुके हैं तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये स्कोर हो चुका और उन लोगों ने आखिरी टावर भी तोड़ दिया, मतलब लास्ट वाले टावर तक तोड़ देंगे तो शायद गेम ओवर हो जाएगी। और ये ब्लू वाली टीम थी वो जीत गई और रेड वाली टीम थी जो वो हार गई है। तो गाइस इस गेम प्ले में मुझे जितना समझ आया वो मैंने आपको समझाया, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास वो सारी मैंने दे दी है। और ये गेम कैसे खेलनी है वो तो आने के बाद ही परफेक्ट पता चलेगा, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझा दिया है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो नई मोबा गेम जिसका नाम है पोकेमोन यूनाइटेड के बारे में, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए और ना ही कोई लॉन्च डेट अभी तक बताई गई है, लेकिन बहुत ही जल्द आ सकती है क्योंकि इसका गेम प्ले निकल चुका है तो ये कभी भी रिलीज़ हो सकती है। लेकिन आपको अब ये गेम कैसे लगे ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि भाई ये मोबा गेम में चलेगी नहीं चलेगी, कि अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, आपको कैसी लगी। तो भाई ये सब कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर AoV के बारे में भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तब भी आप इंस्टा पर फॉलो करके पूछिए, क्योंकि AoV आप जानते हैं मैं खेलता हूँ और बहुत ही अच्छी खेलता हूँ और मुझे टीम की भी ज़रूरत है अभी एक। लेकिन इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। अगर कोई नई न्यूज़ होगी, कोई नया कुछ होगा तो कौन बताएगा, मैं ही तो बताऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी अपडेट के साथ, नई गेम के साथ या नए किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।